नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Mplive। दोस्तों आज शुरू होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे राजकोट में। मेरे को एक मैसेज मिला व्हाट्सएप पे, जब हम पहला वनडे हारे थे उसमें लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग इंडियन टीम ने तो लगाई नहीं जो आपने इतनी बुरी तरीके से धो दिया। तो एक तो हम आज के मैच का विश्लेषण करेंगे, भारत की सीरीज़ में वापसी कैसे हो, दूसरा धोनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब नहीं रहा BCCI के साथ, ये क्यों नहीं रहा, क्या धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं, यदि लेने भी वाले हैं तो क्या उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट मिलेगा, जो हमारे अक्सर आवाज़ उठती रही है कि सीनियर्स प्लेयर को आदर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। मेरे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ अभिषेक खरे जी, आप इनको देखते रहते हैं मेरे साथ। अभिषेक सर, मैसेज मिला कि आग हमने तो नहीं लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, जो बदला ले रहे हैं। देखिए ये तो खैर बड़े कई सालों बाद मैंने भारतीय टीम की ये स्थिति देखी कि वो एक विकेट भी नहीं ले पाए और बहुत ही गंदे तरीके से हराया। लेकिन अगर आप पिछली ऑस्ट्रेलिया और भारत सीरीज़ को देखेंगे तो सभी सीरीज़ में आप देखिए जो भी भारत में मैच होते हैं 350, 320, 330 मैच रन बड़े आराम से बनते हैं, तो मुझे लगता वही पैटर्न है। और चूंकि अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ऑलरेडी काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, तो मुझे लगता वो उन्होंने कंटिन्यूस जो एक गोल्डन टच होता है, जैसे वार्नर का इस समय बहुत गोल्डन टच चल रहा है, एरॉन फ्रिंच बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बॉलर जो हैं जंपा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी स्पिन भारत में डेफिनेटली चलेगी, मिशेल स्टार्क तो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया टीम एक बैलेंस्ड टीम है। लेकिन एकाध हार से आप भारतीय टीम का आकलन ऐसे नहीं कर सकते कि वो खराब टीम है या वो अच्छा, एक दिन नहीं चल पाए। सामान्य हार नहीं थी, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कई साल बाद इंडिया टीम को ऐसी हार देखी है जहाँ पे वो एक विकेट भी नहीं ले पाए। लेकिन ये क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, अगर आप क्रिकेट को बेहतर ढंग से समझते हैं तो वो कोई एक दिन ऐसा होता है जो किसी एक टीम का जो अपना सर्वश्रेष्ठ देती है, लेकिन वही एक और दिन होता है जब दूसरी टीम भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती है और भारतीय टीम भारतीय पिच पर भारतीय कंडीशन में भारतीय फैन के सामने निश्चित तौर पर वापसी करेगी। राजकोट में अभी जो मैच आप देखेंगे, मुझे लगता है भारतीय टीम निश्चित तौर पर इसका बदला लेगी पिछले मैच का। विराट कोहली नंबर 3 पे सेट है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जितने अवार्ड्स मिल सकते हैं क्रिकेट को उनको अभी से मिल गए, सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना होती ही आ रही है, उनको नीचे खिसकाना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ एक्सपेरिमेंट क्यों? नहीं नहीं, वो नीचे खिसकाना नहीं है उनको, देखिए विराट कोहली खुद डिसीजन करती, देखिए जो डिसीजन होता है वो लेती है टीम मैनेजमेंट, टीम की मीटिंग होती है प्रत्येक मैच के पहले, तो ग्राउंड की कंडीशन जो होती है, टीम का जो अपना प्लेइंग 11 होती है, इसके बाद जो कोच होता है, ये सब मिलके डिसीजन लेते हैं कि आज किस तरह की टीम उतारेंगे, किस तरह की कंडीशन है। और दूसरा प्रयोग करना इसलिए ज़रूरी कि आपको लगातार प्लेयरों को भी ऊपर डाउन में भेज के उन्हें भी मौका देना पड़ता है सेट होने के लिए। देखिए हर उन पे खेलने वाले प्लेयर का एक माइंड सेट होता है, तो ऐसा प्लेयर जो बरसों से मान लीजिए रणजी टीम में या अपनी जो उनकी प्रदेश की टीम है उसमें एक पर्टिकुलर सेट डाउन पे खेल रहा है, अचानक से आप उसे बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते, उसे धीरे धीरे ही करना पड़ता है। तो जैसे श्रेयस अय्यर हैं, मनीष पांडे हैं, तो वो लगातार प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उनके माइंड सेट एक तो बने एक पर्टिकुलर डाउन पे, दूसरा उनकी आवश्यकता भी देखी जाती है कि आज अगर तेज खेलना है तो फिर डाउन चेंज किया जाएगा, किसी समय विकेट रोकना है तो अलग प्लेयर, तो ये चीजें चलती रहती हैं क्रिकेट में। और ये डिसीजन कोई विराट कोहली को नीचे करने का नहीं है, विराट कोहली खुद भी इस डिसीजन में शामिल हैं, कोच शामिल है, पूरा मैनेजमेंट शामिल है, इसलिए मुझे लगता नहीं। इतनी बड़ी टीम के खिलाफ सर एक्सपेरिमेंट क्यों, और यदि एक्सपेरिमेंट करनी है तो एक आध मैच और कर लो, फिर आज क्यों विराट कोहली नंबर 3 पे जाने वाले? देखिए विराट कोहली का नंबर जो फर्स्ट डाउन है वो फिक्स है, आप उसे बार बार चेंज वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी करना, जैसा मैं कह रहा हूँ, करना इसलिए पड़ता है कि दूसरे प्लेयर को भी मौका देना पड़ता है कि मान लीजिए किसी दिन विराट कोहली इंजर्ड हैं या विराट कोहली बीमार हैं या वो नहीं खेल पा रहे हैं तो वो कौन होगा प्लेयर। तो जैसा मैंने कहा ना कि माइंड सेट बनाने के लिए उन्हें एक दो मैच खेलने देना पड़ते हैं। और रही बात बड़ी टीम के खिलाफ, तो जब तक बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे बड़े मैच तब तक वो बड़ा प्लेयर कोई बन भी नहीं सकता, तो इसलिए मौका दिए जाते हैं। तो ये एक टीम डिसीजन, इसकी शुरुआत सौरभ गांगुली ने करी थी वीरेंद्र सहवाग के लिए, वो खुद नीचे आते थे। धोनी का कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहा, इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी, आज ऑल ऑफ सडन न्यूज़ में आया संन्यास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जब धोनी ने भारत के लिए, धोनी का जो योगदान है सर वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कप्तान है भारत के, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, बहुत उन्होंने कंट्री को सर्व किया है, उनके समय पे ये बात हमेशा उठती थी कि जो सीनियर्स प्लेयर की रिस्पेक्ट है वो नहीं हो पा रही थी, वो सीनियर प्लेयर्स को बाहर भी करना चाह रहे थे, अब यही क्या उनके साथ हो रहा है वापस? बिल्कुल नहीं,
अगर जो लोग धोनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, करीब से जानते हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि धोनी कितने कूल माइंड हैं और वो डिसीजन को कितनी शांति से लेते हैं, तो इस चीज़ को मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये शायद खुद धोनी ने कम्युनिकेट किया होगा बीसीसीआई को कि अब वो शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है इंटरनेशनल मैच में। तभी देखिए क्या हुआ था, जब जुलाई में वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था उसके बाद धोनी ने अपनी प्रायोरिटी इंडियन आर्मी को बनाई हुई थी, वो उसके ऑलरेडी ऑनरेरी कैप्टन हैं, तो वो श्रीनगर चले गए थे, कंडीशनिंग कैंप में नहीं गए थे, रिहैब कैंप में नहीं गए थे जबकि उनको चोट लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही संकेत दिया है बीसीसीआई को कि अब वो शायद धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट से हट जाएंगे और आईपीएल पे फोकस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आज हरभजन सिंह का एक बयान भी आया हुआ है जिसमें उन्होंने साफ संकेत दिया है कि शायद धोनी ने बीसीसीआई को संकेत कर दिया है कि अब वो उपलब्ध। सर मेरा प्रश्न ये है, शायद क्यों क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि धोनी की बीसीसीआई से बात हुई है क्या? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है या धोनी के साथ वही हो रहा है जो बाकी सीनियर्स प्लेयर्स के साथ होता है? एजम्पशन पे क्यों जा रहे हैं सर? हम बड़ा खिलाड़ी है भारत का जी। यहाँ मेरी दो चीज़ कहना है, धोनी को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो है, या बीसीसीआई को स्पष्ट करना चाहिए जैसे बीसीसीआई ने उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर किया लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि क्या वो भारत, वो भविष्य में भारत के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसी तरह से धोनी ने भी नहीं किया, तो बेहतर तो ये है कि दोनों में से कोई एक क्लियर इसका पिक्चर क्लियर कर दे कि आखिर वजह क्या है। और मैं कहता हूँ अगर धोनी ने संकेत भी कर दिया है तो उनके लिए एक बढ़िया सा फेयरवेल मैच रखा जा सकता है, उनको प्रॉपर तरीके से एग्जिट देना जरूरी है क्योंकि जिस तरह की सेवाएं उन्होंने भारतीय क्रिकेट की हैं बहुत ही कम प्लेयर हैं, वो भारत के टॉप अगर हम 10 प्लेयर की बात करें तो उनमें से शुरू के 3 प्लेयर में से आते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सम्मान तरीके से एग्जिट देना जरूरी है। ये तो है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर होते हैं बहुत सारे इंडोर्समेंट होते हैं उनके, तो इंडोर्समेंट की वजह से वो एकदम से डिक्लेयर नहीं करते हैं, कई इंडोर्समेंट उनके हो सकता चल रहे हों जिनके कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म ना हुए हों तो वो क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई प्लेयर डिक्लेयर कर देता है कि वो रिटायर्ड हो गए उनके जो ऐड हैं एडवर्टाइज वगैरह हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आज के मैच में आपके हिसाब से भारत की वापसी 100% है। तो दोस्तों ये था आज के मैच का विश्लेषण, हमने धोनी पर बात करी, हमने पिछले मैच के बारे में बात करी और आज के मैच में हमारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत इसका बदला लेगी, सक्षम भी है। एक मैच से हमारी टीम की काबिलियत को नहीं आंका जा सकता। विराट कोहली नंबर 3 पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं MPLive।